हेलो दोस्तों नमस्कार। उमी टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों जो ईपीएस 95 पेंशनर्स है काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाए थे कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के जो आने वाले रिजल्ट हैं तो अच्छे होंगे, लेकिन यहीं पर मैं आपको बता दूँ कि माननीय कमांडर साहब ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया है समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि ये फैसला क्यों उन्हें लेना पड़ा और क्यों जरूरी था ये फैसला लेना एनएससी के टीम के द्वारा दिल्ली आंदोलन को लेकर। अब बहुत ही जल्द दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशनर्स आंदोलन करेंगे और ये जो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि होगी। एनएससी का टीम का यह कहना है कि एनएससी की टीम जल्द ही ईपीएस 95 पेंशनर्स के साथ में दिल्ली जाने को तैयार है। हालांकि जो डेट होता है वो डेट अभी बताया नहीं गया है, माननीय कमांडर साहब के माध्यम से डेट को नहीं बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को कितने तारीख को दिल्ली जाके आंदोलन करना है, लेकिन यह है कि डेट भी जो हो तो जल्द ही बता देंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए एनएससी की टीम 5 राज्यों का भ्रमण कर रही है। उन्हें 5 राज्यों के भ्रमण के दौरान ही माननीय कमांडर साहब जो एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन हेतु ये बात कही है कि जल्द ही हम दिल्ली में जाके आंदोलन करेंगे ताकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि हो सके। हालांकि ये बात अलग है कि अगर यहाँ से अगर देखा जाए एक रास्ता तो ये भी है कि दिल्ली में ईपीएस 95 पेंशनर्स के उच्च पेंशन के लिए जो तो आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन दूसरे नंबर पर अगर देखा जाए हो सकता है कि एनएससी के टीम के द्वारा जो सीबीटी की बैठक होने वाली है उस पर दबाव बनाने के लिए या सरकार के ध्यान को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए या सीबीटी के जो सदस्यगण हैं उनके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये बात बोली गई हो। क्योंकि देखिए पिछले बार भी ऐसा ही हुआ था, सीबीटी के जो सदस्य और मेंबर्स थे उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में फैसला और साथ साथ उनके बात को मुद्दे को रखने की बात कही गई थी, लेकिन वहाँ पे हुआ नहीं था। ईपीएस 95 पेंशनर्स के बारे में कोई बातें नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ना हो जाए इसलिए माननीय कमांडर साहब यह चाहते हैं कि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में वृद्धि और उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को सामने रखा जाए, तो ये बातें भी हो सकती हैं। लेकिन इस पर क्लियर मैं किसी भी जैसे कि एनएससी के टीम के जो सदस्य लोग हैं उनके साथ में अगर मेरी किसी से भी बात होती है तो मैं ईपीएस 95 पेंशनर साहब सबके लिए उच्च पेंशन के लिए एक वीडियो बना दूंगा और बता दूंगा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स को उच्च पेंशन के लिए क्या मुख्य बातें हैं, क्या जो तो इसका मुख्य रूप से क्या अपडेट है। तो बाकी दोस्तों आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सबको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा कि ये सब बातें क्यों किए जा रही हैं और कितना किए जा रही हैं, किस लिए किए जा रही हैं। आशा उम्मीद करता हूँ कि आप आपके समझ में वीडियो आ गया होगा, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करेंगे। अगर नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए, ताकि ये जानकारी सभी तक पहुँच जाए। दोस्तों मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।